अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज जो मैं रिव्यू देने जा रहा हूं वो है न्यू नो लीफ एयर कंडीशन का, जो कि एक फ़ैन है, जो कि एक ब्लेडलेस फ़ैन है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लेड्स कहीं पे भी नहीं है, सही है। ये काम किस तरीके से करता है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ से जो है वो विंड जो है ब्लो होती है, यहाँ से हवा आती है। बैक साइड पर इसके फ़ैन दिया हुआ है। अच्छा, इसको अब चलाना किस तरीके से होता है, ये बटन प्रेस करने से चलता है। ये दो सूरतों में चल सकता है, या तो आप इसको पावर प्रोवाइड करें या इसको सेल्स प्रोवाइड करते हैं। सेल्स पेंसिल सेल्स की बात कर रहा हूँ, जो कि नीचे डालने का ऑप्शन होता है। इसमें आप चार सेल्स डाल सकते हैं, ठीक है, ये पूरा खुलेगा, चार सेल्स डालने के ऑप्शन है इसमें। या तो आप इसको इस तरीके से चलाएंगे या फिर आप जो है इसको कोई पावर प्रोवाइड करेंगे। आप लैपटॉप से इसको पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ जो है केबल भी आती है, ठीक है। लैपटॉप से इसको पावर प्रोवाइड कर दें, देखें ठीक है, ये मैंने इसे लगा दिया। और जो ये वाली साइड है वो लैपटॉप से आप लगा दें तो उसको पावर मिल जाएगी, और फिर आप ये बटन प्रेस कर देंगे ये वाला, तो ये चलने लगेगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे हैं तो OTG कनेक्टर मोबाइल में लगाएं, उसके साथ ये लगाएं और फिर ये प्रेस कर दें तो ये चलने लगेगा। तो आपको उसको पावर प्रोवाइड करनी है, वरना सेल्स वाला तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। वो चार सेल लगेंगे जो कि बॉटम साइड पे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ प्रोडक्ट मैनुअल भी आता है, ठीक है, प्रोडक्ट मैनुअल भी आता है जिसमें इसको यूज़ करने का तरीका है। और वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको ईजी तरीका है बहुत यूज़ करने का। इसके साथ केबल आती है, ठीक है, जिसको आप जिसके ज़रिए से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी विंड कैसी है, इसकी हवा कैसी है, ये बात कर लेते हैं, जो मेन बात है। इसकी हवा बहुत तेज़ नहीं है, सिंगल पर्सन के लिए है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है आपने अपने से कितना क्लोज़ रखा हुआ है, कितना करीब रखा हुआ है। अगर ज़्यादा करीब रखा हुआ है तो ज़्यादा अच्छी हवा आएगी, दूर रखा हुआ है तो ज़्यादा अच्छी हवा नहीं आ पाएगी। इसकी हवा जो है वो नॉर्मल है लेकिन अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है हवा। अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत तेज़ हवा होगी इसमें तो ऐसी बात नहीं है। इसकी हवा बस ठीक है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। सो गाइस, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था इसके बारे में। अच्छा, मैं देखिए डब्बे के जो साइड पे है ये आउटडोर यूजेस लिखे हुए, इंडोर यूजेस लिखे हुए। इसके बैक साइड पे इसके बारे में लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कलर्स लिखे हुए हैं। कलर्स आप लोगों ने यकीनन अगर कौन से वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता चल गया फिर कौन सा कलर है। अच्छा, अब जो है और इस साइड पे जो है वो इस तरीके का है, मेड इन चाइना, ये बना हुआ है पावरफुल विंड, और ये जो है चीज़ लिखी है। पावरफुल विंड तो है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, लेकिन मैं उस हवा की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत तेज़ी से होती है, वो वाली हवा इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है, लेकिन बहुत तेज़ हवा इसमें नहीं है। सो गाइज, अगर मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट मुझे किस चीज़ का रिव्यू देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।